अभी हम मौजूद हैं बाड़मेर शहर के पनगट रोड पर। यहाँ पर मेला लगा हुआ है। आपको बता दें कि साल में दो बार यहाँ पर खास तौर पर ये मेला लगता है, जो सिर्फ चंद घंटों के लिए लगता है। यहाँ पर लगभग शाम के 6 बजे से इस मेले की रौनक जो है वो बढ़ना शुरू होती है और शाम को 10-11 बजे तक ये रौनक यूं ही लगी रहती है। आज कजली तीज का मौका है, यही वजह कि यहाँ पर ये जो बाज़ार है वो सजा हुआ है। महिलाएँ यहाँ पर पहुँची है खरीदारी के लिए और सब अपनी मनपसंद का सामान यहाँ से कोशिश करते हैं कि खरीदारी की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मेलों को लेकर एक अलग उत्साह रहता है। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले जो ये मेला लगता है वो हरियाली तीज के दिन लगता है, तो चंद घंटों का ये मेला जो यहाँ की रौनक और ज़्यादा बढ़ा देता है। कुछ महिलाएँ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेले में हर साल आते हो या पहली बार आए हो आप? पहली बार आए हो। पता था कि ऐसा कुछ घंटों वाला मेला भी लगता है बाड़मेर में? लगता था, पता तो था। तो मेले में क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी, या लगता है कि हाँ मेले लगते रहने चाहिए, या मेले पसंद है? हाँ पसंद है। और आप कुछ कहना चाहेंगे इस मेले को लेकर, कैसा लग रहा है आके थोड़ा फैमिली के साथ टाइम? बच्चे आते, बहुत अच्छा लगता है, मेरा बहुत अच्छा है बच्चों। आप कुछ कहोगे, कैसा लग रहा है आपको? चलिए बच्चे शर्मा भी रहे हैं कुछ। आप लोग बताओगे कितना अच्छा लगता है आपको यहाँ मेले में? अच्छा लगा, मेला बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। अच्छा है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे तस्वीरें, ये बच्चे जो अपने आप बता रहे हैं। तो हर बार मेले का इंतजार करते हो आप? हरियाली तीज वाले दिन भी आए थे और आज भी? कल तो मेला कम ही लगा था और आज बहुत भीड़ है। आज बहुत भीड़ है, यानी कि 8-8:30 बजे और ज्यादा भीड़? अब तो कुछ नहीं, अब खत्म। नहीं, अब तो खत्म हो गया, पर इससे पहले जब 8-8:30 बजे थे तब तो और ज्यादा भीड़ होगी ना? होगी थी, और 4 बजे से ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा। बहुत कितना मजा आया मेले? बहुत आया। तो देखिए मुस्कुराते चेहरे जो अपने आप बता रहे हैं कि मेले में जो है कितनी रौनक है। और यहाँ पर हालांकि अभी जो समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर फिर भी बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर पहुँचे हैं, परिवार के कई सदस्य जो हैं वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ आए और इस मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि काफ़ी सारे खाद्य पदार्थों के स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई है, काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई है और साथ ही काफ़ी सारे ऐसे सामान भी जो हैं, बच्चों के खिलौने और ये सब जो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर ये मेले की जो रौनक है वो बढ़ती हुई नज़र आई। और वाकई में इन मेलों का न सिर्फ आम लोग इंतज़ार करते हैं, बाकी कई ऐसे व्यापारी हैं जो भी इंतज़ार करते हैं कि आखिर कब इस तरीके के मेलों का आयोजन हो और उन्हें व्यापार का एक अच्छा मौका मिले। तो ऐसे में वाकई में ये मेले की जो संस्कृति अपने आप में कई मायनों में खास हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आयुषी विजयवर्गीय, दखटक बाड़।